भाई अभी मैं बैठा हूँ लेटेस्ट मॉडल जो है i20 का उसमें, और ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट। बात करें अगर इसके एसी की, तो ये 1 साल पुराना स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो इसमें आपको मैनुअल एसी मिलता था जो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको रियर डिफॉगर भी मिल जाता है, ये है इसका डिफॉगर का बटन। अगर आप इसको कार को स्टार्ट करेंगे तो ये आपका डिफॉगर ये काम करेगा। ये आपका एसी का बटन है, ये आपका रिसर्कुलेशन का बटन है, और ये टेम्परेचर का है। इसमें आपको टेम्परेचर डिजिट्स वाला नहीं मिलेगा, आपको इसमें सिर्फ रेड और ब्लू के थ्रू ही एडजस्ट करना पड़ेगा, और बाकी आपके मोड्स वगैरह मिल जाते हैं कि आपको किधर को इसका फ्लो चाहिए एसी का। और बात करें अगर इसकी स्पीड की, तो वो फुल स्पीड कुछ ऐसी मिल जाती है कि आप देख पा रहे होंगे। बात करें अगर इसके फुल रिस्पॉन्स की, पीछे की सीट पे कैसा मिलता है, तो वो कुछ ऐसा मिलता है। आप इसको सुन पा रहे होंगे कैसा रिस्पॉन्स है, माइक के थ्रू आप सुन पा रहे होंगे। मैं कहूँगा कि पीछे सिर्फ, अगर आप आगे फुल स्पीड करते हैं तो आपको सिर्फ पीछे 70% की स्पीड मिलेगी, और जो कि मैं कहूँगा थोड़ी कम है, और कर सकती थी कंपनी। लेकिन मैं आपको इसकी एसी और परफॉर्मेंस का अगर बात बताऊँ, तो वो मैं आपको एक क्लिप अटैच करके दिखाऊंगा। इसकी एसी के अगर आप चलाते हैं तो इसमें परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, और काफ़ी डिग्रेड हो जाती है। मैं आपको स्लोप की वीडियो अटैच कर दूँगा। भाई एसी ऑन कर लेते हैं, हो गया एसी ऑन। अब ये स्लोप है, स्लोप पर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ज़्यादा रेस देनी पड़ेगी। रुक गई गाड़ी, बीच में रुक गई, रुक गई, बीच में रुक गई। एसी बंद किया, बंद हो गई गाड़ी। अब इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। गाड़ी पीछे जा रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। तो भाई अभी तो मैं बिना एसी के चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब ये सारे मॉडल्स में है या सिर्फ मेरे मॉडल में है कुछ ऐसी, लेकिन प्रॉब्लम तो है। ये मैंने शोरूम पे दिखाई थी, लेकिन ये काम नहीं करी। उस समय गाड़ी उनसे चढ़ गई, उन्होंने एकदम चढ़ाई होगी तो इसलिए उनसे चढ़ गई। तो लेकिन अब आप वीडियो में देख सकते हैं, ये गाड़ी रास्ते में ही बंद पड़ गई बिल्कुल। थैंक यू।